बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। कहानी की शुरुआत में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नए हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम नोवेयर है। यहाँ पर सभी गार्डियंस होते हैं और तभी दूसरे प्लेनेट से एडम इनके ऊपर हमला कर देता है। दरअसल वो यहाँ पर रॉकेट को पकड़ने के लिए आया है। हालांकि सब रॉकेट को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन एडम बहुत ताकतवर है, इसीलिए कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता और रॉकेट को जख्मी भी कर देता है। नेबुला को अब गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने हाथों को तलवार में बदल कर एडम के आर पार कर देती है जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। ये सब के सब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी वो होश में आ जाता है और इस जगह से भागने में कामयाब हो जाता है। रॉकेट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए नेबुला उसके शरीर को चेक करती है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि रॉकेट के शरीर के अंदर बहुत सारी मशीन्स हैं और उनमें से एक मशीन ऐसी भी है जो उसके दिल के पास है। इस मशीन की वजह से इनके पास जो अत्याधुनिक गैजेट्स हैं जिससे रॉकेट को ठीक कर सकते हैं वो उसकी बॉडी पर काम नहीं कर रहे होते, और अगर इन्हें रॉकेट को ठीक करना है तो उसके अंदर लगी मशीन को डिकोड करना होगा जिसके लिए इन्हें कोड चाहिए। इन्हें पता चल जाता है कि ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स रॉकेट के ऊपर कहां पर किए गए थे, इसीलिए उस तरफ निकल पड़ते हैं। वही रॉकेट जो बेहोश होता है उसे अपने बचपन की यादें आती है, जिन यादों में वो देखता है कि जब वो छोटा था वो एक जेनेटिक साइंटिस्ट जिसका नाम हाई एवोल्यूशनरी था उसने उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिन एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो पूरी तरह से बदल गया, उसके अंदर असीम शक्तियां आ गई। रॉकेट की यहाँ पर अपने जैसे तीन और सब्जेक्ट से मुलाकात होती है जिनके ऊपर उसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिस तरह के रॉकेट के ऊपर किए गए थे। ये सब के सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें हाई एवोल्यूशनरी को दिखाया जाता है जिसके सामने एडम और उसकी मॉम है। वो एडम की मॉम को टॉर्चर करता है और एडम से कहता है कि अगर तुमने अगली बार रॉकेट को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल को खत्म कर दूंगा। इस वक्त हाई एवोल्यूशनरी जहाँ पर होता है ये प्लेनेट हूबहू अर्थ की तरह है, इसीलिए इस जगह का नाम काउंटर अर्थ है। हाई एवोल्यूशनरी चाहता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स पर क्रिएचर्स रहते हैं वो पूरी तरह से परफेक्ट होने चाहिए, इसीलिए वो बार बार अलग अलग प्लैनेट्स पर जाता और वहाँ के क्रिएचर्स को उठाकर अपनी काउंटर अर्थ पर लेकर आता है ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट करके वो उन्हें और भी एडवांस परफेक्ट बना सके, जिस तरह से उसने रॉकेट के साथ किया था। हाई एवोल्यूशनरी ने काउंटर अर्थ इसलिए बनाया होता है क्योंकि एक बार वो क्रिएचर्स की तलाश में अर्थ पर गया था। वो प्लैनेट उसे इतना अच्छा लगा कि उसने तय कर लिया कि वो हूबहू अर्थ की तरह एक और प्लेनेट बनाएगा, लेकिन वहां पर हर एक चीज परफेक्ट होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर वो कोड्स हैं, जिन कोड्स से ये रॉकेट के दिमाग को उसकी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर गमोरा और उसके साथी आ जाते हैं जो कि लुटेरे हैं। वो पीटर क्विल को बताते हैं कि यहाँ पर हमें नेबुला ने बुलाया है, उसने कहा है कि अगर हम उसका साथ देंगे तो बदले में हमें अच्छा खासा इनाम मिलेगा। और अब इस सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो कोड्स हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रॉकेट को दिखाया जाता है जो अब भी बेहोश होता है और वो अपनी यादों में देखता है कि जब उसके ऊपर हाई एवोल्यूशनरी ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसका दिमाग बहुत तेज था, हाई एवोल्यूशनरी का सबसे सफल एक्सपेरिमेंट था क्योंकि अब तक उसने दिमाग के उसके जितने भी टेस्ट लिए थे सब में रॉकेट पास हो गया था। इसके बाद वो रॉकेट को अपनी लैब में ले जाता है जहां पर वो एक ग्लास के चेंबर के अंदर एक टर्टल को रखता है, और अगले पल जब वो मशीन को स्टार्ट करता है तो टर्टल बहुत बड़ा बन जाता है। पर बड़ा होने के बाद वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है और यही हाई एवोल्यूशनरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो जितने भी एनिमल्स को बदलता है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। रॉकेट उस मशीन को देखता और बताता है कि इसमें एक गड़बड़ है, जब भी तुम किसी भी एनिमल को किसी भी क्रिएचर को बदलते हो तो उनके दिमाग का एक केमिकल भी बदल जाता है जिस वजह से वो सब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर हम उस केमिकल को कंट्रोल कर ले तो हम सभी जानवरों को शांत बना सकते हैं। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के कहने पर मशीन में कुछ चेंजेस करता है। एक बार फिर से एक मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और जब मंकी बदलता है तो पूरी तरह से शांत होता है, यानी कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया जो बहुत वक्त से करना चाहता था, अब वो चीज हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे रॉकेट का दिमाग चाहिए, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है,
इसी की वजह से मैं अपने प्रोजेक्ट में अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो पाया। साथ ही वो जेलस भी होता है कि उसी ने रॉकेट को बनाया और उसका दिमाग उससे भी तेज है। वो अपने लोगों से कहता है कि कल सुबह होते रॉकेट को मार देना, मैं इसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इसका दिमाग इतना तेज कैसे हुआ। जिसके बाद मैं एक अलग दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर सभी उसी तरह के क्रिएचर्स रहेंगे जो पूरी तरह से परफेक्ट होंगे, जिनका दिमाग बहुत तेज होगा। रॉकेट को उसके साथियों के साथ सेल में बंद कर दिया जाता है। रॉकेट सबको बताता है कि कल सुबह होते हम सबको मार दिया जाएगा। आई एवोल्यूशनरी ने कहा था कि उसके एक्सपेरिमेंट अब कामयाब हो गए हैं, इसीलिए उसे हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। रॉकेट जिसका दिमाग बहुत तेज है, वो वहीं पर पड़ी बेकार चीजों से एक की बना लेता है जिसके बाद वो लॉक खोल देता है। वो अपने साथी को भी बाहर ले जाता है, पर तभी वहां पर हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है जो रॉकेट के साथी को मार देता है। हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहां से बाहर निकल जाओगे, इसीलिए मैं खुद यहां पर आया हूं और अब मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा। रॉकेट अपनी दोस्त की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी होता है, इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है। वो हाई एवोल्यूशनरी के ऊपर हमला करके वहां से एक स्पेसशिप से निकल जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो कोड वो फाइल है जिससे रॉकेट को ठीक किया जा सकता है। ये सब उस फाइल को लेकर अपने स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं और जब भी उस फाइल को खोलते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि पास्ट में रॉकेट के साथ क्या क्या हुआ था। इस तरह से हाई एवोल्यूशनरी ने उसे टॉर्चर किया। सब के सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ बहुत अत्याचार किए थे और अब जो कोड इन्हें रॉकेट को ठीक करने के लिए चाहिए वो कोड इस फाइल में नहीं होते क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी के लोगों ने चंद ही पल पहले उन कोड्स को डिलीट कर दिया था और अब अगर इन्हें कोड्स चाहिए तो इन्हें काउंटर अर्थ पर जाना होगा जहां पर हाई एवोल्यूशनरी है। और गमोरा इस फेवर में नहीं होती, वो कहती है कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वो अपने एक साथी को अपनी लोकेशन भेजती है ताकि वो उसे यहाँ पर लेने के लिए आ सके। पर उसके साथी तक अब एडम और उसकी मॉम पहुंच गए होते हैं जिन्हें अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की लोकेशन का पता चल जाता है। वहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सब के सब काउंटर अर्थ पर पहुंच जाते हैं जहां पर हाई एवोल्यूशनरी है। हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि तुम सब ने यहां पर आकर गलती की, अब मैं तुम सबको मार दूंगा और रॉकेट को हासिल कर लूंगा। मुझे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कोड्स लेने के लिए आए हो, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मुझे पता है कि रॉकेट तुम्हारे स्पेसशिप में है, अब मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। वो यहाँ से निकल जाता और अपने आदमियों को आदेश देता है कि इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर देना। पर पीटर क्विल और ग्रूट दोनों के दोनों इनके सभी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और उस आदमी की आंख से दिमाग से कोड्स को निकाल लेते हैं जिसे रॉकेट के कोड्स पता है। ये हाई एवोल्यूशनरी से पहले रॉकेट तक पहुंच जाते हैं और कोड्स के जरिए उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। नेबुला अपने साथियों के साथ उस स्पेसशिप में चली गई होती है जिसमें हाई एवोल्यूशनरी है। दरअसल उसे लग रहा था कि पीटर क्विल और ग्रूट दोनों के दोनों वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन वो दोनों वहां से निकल गए थे। और जब वो पीटर क्विल से कॉन्टेक्ट करती है तो पीटर क्विल उसे बताता है कि हम उस स्पेसशिप में नहीं है। नेबुला अपने साथियों के साथ वहां से निकलना चाहती है पर तभी उनके सामने हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और नेबुला और उसके साथियों को कैद कर देता है। नेबुला और उसके साथी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे मासूम बच्चे हैं जिनके ऊपर हाई एवोल्यूशनरी ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन ये सब के सब रॉकेट की तरह इंटेलिजेंट नहीं होते, इसीलिए हाई एवोल्यूशनरी इन सब के दिमाग को रॉकेट के दिमाग की तरह तेज बनाना चाहता है जिसके लिए उसे रॉकेट के दिमाग की जरूरत है। और अब नेबुला और उसके साथी तय करते हैं कि वो यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे बल्कि इन सब बच्चों को यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। वहीं पीटर क्विल ग्रूट और उसके जितने भी साथी होते यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम उस स्पेसशिप में पहुंच जाती है जहां पर हाई एवोल्यूशनरी है, जहां पर नेबुला और उसके दोनों साथियों को कैद किया गया है। यहां पहुंचने के बाद हाई एवोल्यूशनरी के एडवांस और ताकतवर क्रिएचर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम जो कई लड़ाइयां लड़ चुकी है वो उनका सामना करती है और एक एक करके वो उन सभी का खात्मा कर देती है। जिसके बाद इनके सामने होता है हाई एवोल्यूशनरी। ये हाई एवोल्यूशनरी के पास जाकर उसके मास्क को उतार देते हैं। दरअसल वो मास्क इसीलिए पहनता है क्योंकि जब रॉकेट उस पर हमला करके उसे भागा था तो उसने उसके चेहरे को पूरी तरह से जख्मी कर दिया था, इस वजह से उसे हमेशा मास्क पहनकर रखना पड़ता था। और अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम रॉकेट से कहती है कि तुम हाई एवोल्यूशनरी को मार दो। रॉकेट उसे देखता है
और कहता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं इसे नहीं मारूंगा। वहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम यहाँ पर जितने भी बच्चे जितने भी क्रिएचर्स होते हैं उन सबको आजाद कर देते हैं। पीटर क्विल का एक डॉग होता है जिसके अंदर पावर्स हैं और वो अपनी पावर से नोवेयर प्लेनेट को स्पेसशिप से जोड़ देता है, जिसके बाद सबके सब उस प्लेनेट पर चले जाते हैं। लेकिन अब उस डॉग की जो पावर होती है, ताकत होती है, वो टूट जाती है, जिस वजह से स्पेसशिप और प्लेनेट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पीटर क्विल अब भी स्पेसशिप में होता है जो नोवेयर प्लेनेट पर जाने के लिए, जो कि उसका हेडक्वार्टर भी है, एक जंप मारता है, लेकिन वो स्पेस में ही फंस जाता है। उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब उसकी मृत्यु हो रही है, पर इससे पहले कि उसकी जान जाती, यहाँ पर एडम आ जाता है, जिसने रॉकेट को मारने की, उसे पकड़ने की कोशिश की थी, जो कि हाई एवोल्यूशनरी के लिए काम किया करता था। वो उसे बचाकर नोवेयर प्लेनेट पर ले आता है। इस तरह से पीटर क्विल की जान बच जाती है और अब सारे के सारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी तय करते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे जितने भी क्रिएचर्स हैं, इनकी हम एक अलग दुनिया बनाएंगे जहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी से जी सकता है, रह सकता है, ये वो कर सकते हैं जो ये करना चाहते हैं। साथ ही पीटर क्विल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम से कहता है कि मैं कुछ वक्त के लिए अर्थ पर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरी मॉम के डैड यानी कि मेरे ग्रैंड फादर है, मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब भी वो जिंदा होंगे। बचपन से ही मैं अपनी फैमिली से, अपनी अर्थ से दूर हूँ। वो जाने से पहले रॉकेट को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का लीडर बना देता है और खुद अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। जब वो अर्थ पर जाता है तो वो अपने ग्रैंडफादर से मिलता है, जो उसे पहचानते हैं। वो पीटर क्विल को घर वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। पीटर भी अब उन्हीं के साथ रहना चाहता है। वहीं हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है, जो अब अगले मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं। और इनकी टीम में अब एक और मेंबर जुड़ चुका है, जो कि एडम है, क्योंकि एडम अब पहले जैसा नहीं रहा, वो सुधर चुका है। वैसे भी पहले उसने जितने भी काम किए थे वो सब के सब हाई एवोल्यूशनरी के दबाव में आकर किए थे। एमसीयू के पिछले जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।